हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज का नया रेसिपी हम लाए हैं, थोड़ा डिफरेंट है। आप लोगों ने बहुत सारे डोसे खाए होंगे, बहुत सारे सेट डोसे खाए होंगे, लेकिन आज हम लाए नया डिश। वो है कोकोनट का सेट डोसा। हमने लाए हैं ओडिशा का फेमस डिश लाए हैं यहाँ पे। कोकोनट से बने सेट डोसा का मज़ा लेंगे आज। आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे एक कटोरा भिगा हुआ चावल लिए हैं, एक कटोरा ग्रेटेड कोकोनट लिए हैं। मिक्स करके ब्लेंड कर लेंगे। बैटर को ज़्यादा थिक नहीं करना है हमें यहाँ पे। देखिए हमारा बैटर रेडी है। बैटर को हमें यहाँ पे पतला करना है। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमें उबल के जैसा कढ़ाई लेना है, उसमें थोड़ा तेल डालते हैं। कढ़ाई को हमें अच्छी तरह से हीट करना है। कढ़ाई गर्म हो गया है, हम इसमें 2 स्पून बैटर को डालेंगे। हमने यहाँ पर बैटर का 2 स्पून दे दिए। अब इसको कवर कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। हमने कवर कर लिए, इसके साइड में थोड़ा थोड़ा करके पानी देंगे। ये सेट डोसा एक पानी के द्वारा बॉयल होगा, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके पानी दे रहे हैं ताकि वो अच्छी तरह से पक जाए। देखिए हमारा सेट डोसा तैयार हो गया है। धीरे धीरे करके इसको निकालेंगे कढ़ाई से। इसी तरह बाकी डोसा को भी हम तैयार कर लेते हैं। नारियल का डोसा बहुत सॉफ्ट है। अब इसके लिए हम चटनी बनाएंगे। चटनी के लिए हमें चाहिए 1 स्पून जीरे, कुछ लहसुन, कुछ चना दाल, कुछ मूंगफली, कुछ करी पत्ते और कुछ मिर्ची। अब इसको मिक्सर में डाल के ब्लेंड कर लेते हैं। देखिए हमारा चटनी अब रेडी है। हमारा चटनी अब तैयार है। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे स्वाद अनुसार और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब प्लेटिंग करते हैं। देखिए हमारा नारियल का सेट डोसा कितना अच्छा बना है। थोड़ा थोड़ा होल भी हुआ है, मतलब अच्छी तरह से पका हुआ है। देखिए कितना स्मूथ बना है। आप भी बनाइए और टेस्ट कीजिए, अच्छा लगेगा आपको। आप भी मजा लीजिए ईस्ट का फेमस नारियल का सेट डोसा के साथ साउथ का चटनी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।